यूट्यूब के सभी टॉप क्रिएटर्स को कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सीक्रेट्स के बारे में पता है जिससे वो आपको अपने पूरे वीडियो के स्टार्ट से एंड तक हुक्ड रखते हैं। एंड इन रिटर्न उन्हें मिलता है वो प्रीशियस वॉच टाइम जो एक वीडियो को वायरल करने के लिए जरूरी है। आफ्टर स्टडीइंग दीज बिग क्रिएटर्स फॉर मंथ्स, मैंने कलेक्ट किए हैं ये वॉच टाइम सीक्रेट्स जो आप अपने फ्यूचर वीडियोस पे अप्लाई करके उनका वॉच टाइम इंक्रीज कर सकते हो। आई विल टेल यू व्यूअर्स को हुक कैसे करना है, वीडियो में सस्पेंस कैसे बिल्ड करना है, स्टोरी टेलिंग कैसे करना है एंड बेसिकली वो सब कुछ जिससे यू कैन मेक व्यूअर्स वॉच योर वीडियोस फॉर लॉन्गर। एंड हाँ, लास्ट टिप इज माय फेवरेट, सो उसे मिस मत करना। मैंने खुद इन टिप्स को अपने वीडियोस पे अप्लाई किया एंड द रिजल्ट्स आर क्लियरली विजिबल। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट सीक्रेट जो कि टाइटल और थंबनेल के बारे में। नाउ यू माइट बी कंफ्यूज्ड बिकॉज वॉच टाइम एंड ऑडियंस रिटेंशन ये सब तो वीडियो पे डिपेंड करता है ना, टाइटल और थंबनेल कहां से आ गया? वेल लेट मी टेल यू द सीक्रेट। मैक्सिमम टॉप क्रिएटर्स एक वीडियो का टाइटल और थंबनेल वीडियो बनाने के पहले ही डिसाइड कर लेते हैं एंड यू शुड डू द सेम। हियर्स व्हाई, योर वीडियो इज द प्रोडक्ट वेयर एज द टाइटल एंड थंबनेल इज द पैकेजिंग। वो पहली चीज है जो व्यूअर्स नोटिस करते हैं एंड दैट्स व्हाई जब हम वीडियो के रिकॉर्डिंग, स्क्रिप्टिंग या किसी भी काम से पहले उसके टाइटल एंड थंबनेल को डिसाइड करते हैं तो हमें लाइक पता लग जाता है कि व्यूअर्स वीडियो से एग्जैक्टली एक्सपेक्ट क्या करने वाले हैं। हम पैकेजिंग को व्यूअर्स के पर्सपेक्टिव से देख के उनके एक्सपेक्टेशंस जान सकते हैं विच विल हेल्प अस इन क्रिएटिंग बेटर इंट्रोज। विच ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट सीक्रेट, क्राफ्टिंग द इंट्रो हुक। इस ऑडियंस रिटेंशन ग्राफ को देखो, कैन यू सी दिस मेजर डिप इन द बिगनिंग? इससे पता चल रहा है कि 50% ऑडियंस हैज लेफ्ट द वीडियो इन द फर्स्ट 30 seconds। इनफैक्ट यूट्यूब के मैक्सिमम वीडियोस का रिटेंशन ग्राफ कुछ ऐसा ही दिखता है जहां पे इंट्रो में एक मैसिव डिप होता है। नाउ ऑब्वियसली ये डिप जितना कम होगा उतना ही अच्छा है बिकॉज दैट वुड मीन मोर पीपल स्टेइंग इन द वीडियो हैंस मोर वॉच टाइम। अब अगर इतने लोग इंट्रो में ही वीडियो को क्विट कर रहे हैं देन इसके पीछे एक ही रीजन हो सकता है और वो ये है कि व्यूअर्स के मन में टाइटल और थंबनेल देखकर जो भी एक्सपेक्टेशंस थे वो वीडियो के इंट्रो से मैच नहीं हुए। सो बेसिकली दे वर डिसअपॉइंटेड, बोर्ड एंड उन्होंने वीडियो बंद कर दिया। तो अब इसका सॉल्यूशन, वेल इट्स प्रीटी सिंपल, एक ऐसा इंट्रो बनाओ जो व्यूअर्स के एक्सपेक्टेशन से मैच करे। इसका बेस्ट एग्जांपल है मिस्टर बीस्ट। टेक एनी वीडियो फ्रॉम हिज चैनल एंड यू विल सी कि जो भी टाइटल और थंबनेल में प्रॉमिस किया गया है वो वीडियो के पहले 5 seconds में डिलीवर भी हुआ है। दैट्स व्हाई आई सेड कि टाइटल एंड थंबनेल पहले ही डिसाइड कर लो सो दैट यू नो व्हाट व्यूअर्स विल एक्सपेक्ट। एक और एग्जांपल है ये वीडियो जो आप अभी देख रहे हो, लुक एट द टाइटल एंड थंबनेल। इसे देखकर मन में एक्सपेक्टेशंस आते हैं कि वीडियो में मैं वॉच टाइम इंप्रूव करने के बारे में बताऊंगा एंड ऑल्सो मैं बड़े यूट्यूबर्स का एग्जांपल दूंगा, स्पेशली एक यूट्यूबर तो होंगे ही हु इज मिस्टर बीस्ट। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ ऑल ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन मैंने लिटरली कई घंटे लगा के इस वीडियो का इंट्रो डिजाइन किया सो दैट आई कैन मीट द व्यूअर्स एक्सपेक्टेशंस एंड आई कैन इजिली से कि इस वीडियो का इंट्रो परसेंटेज नॉर्मल से बेटर होगा। लेकिन अगर व्यूअर्स को हुक करना है तो सिर्फ उनके एक्सपेक्टेशंस को मैच करना इज नॉट इनफ। एक अच्छे ऑडियंस रिटेंशन के लिए यू विल हैव टू यूज द नेक्स्ट सीक्रेट। वो क्या है उसे जानने के लिए मिस्टर बीस्ट की ये वीडियो लेते हैं, लैम्बोर्गिनी वर्सेस वर्ल्ड्स लार्जेस्ट श्रेडर। लेट मी प्ले द वीडियो। दिस इज द लार्जेस्ट श्रेडर इन द वर्ल्ड एंड दिस लैम्बोर्गिनी इज गोना फॉल इन इट। We're also nuking in it. Wait, did you notice? Lamborghini versus Shredder वाला experiment, जो of course video का center of attention है, उसके एक छोटे से scene को video के सबसे पहले के 4 seconds में दिखाया गया। But if you watch the full video, then you will see कि actually experiment video के 14th minute में दिखाया गया, यानी कि video के बिल्कुल end में। This is an example of setting up an end reward in the video, which means कि आप viewers को promise करते हो कि कुछ बहुत important या बहुत interesting video के later half या end में आने वाला है। इसका फायदा यह है कि लेट्स से अगर व्यूअर्स वीडियो देखते समय किसी पार्ट में बोर हो जाते हैं फॉर सम रीजन तो वैसे में भी वो वीडियो को बंद नहीं करेंगे बिकॉज उन्हें पता होगा कि एंड रिवॉर्ड तो अभी बाकी है एंड दैट विल बेसिकली गिव देम अ रीजन टू कंटिन्यू वॉचिंग। सुनने में ये बहुत ही सिंपल लग रहा होगा बट इट इज रियली पावरफुल। लाइक मिस्टर बीस्ट के तो ऑलमोस्ट हर वीडियो में एक स्ट्रॉन्ग एंड रिवॉर्ड होता ही है और शायद आपने इसका एग्जाम्पल मेरे या एल्ग्रो भाई के चैनल पर भी देखा होगा। वेयर आई से कि मैं आपको व्यूज बढ़ाने के 4 tips बताऊंगा और इसमें से 4th tip सबसे इंपॉर्टेंट है या 4th tip मेरा फेवरेट है। नाउ ऑफ कोर्स क्योंकि 4th वाला tip वीडियो के एंड में आ रहा है तो वो भी एक एंड रिवॉर्ड का काम करता है। सो अगर व्यूअर्स बीच में बोर हो जाते हैं या उन्हें इन्फॉर्मेशन उतनी हेल्पफुल नहीं लगती है तो वो सोचते हैं कि चलो शायद लास्ट स्टेप हेल्पफुल हो वो देख कहीं जाऊंगा एंड दैट कीप्स देम वॉचिंग। नाउ लेट्स से कि आपके वीडियो में एंड रिवॉर्ड क्रिएट करना पॉसिबल नहीं है या बहुत हार्ड है देन एक और सीक्रेट है व्यूज को हुक करने का एंड दैट इज बाय बीइंग रिलेटेबल। स्पेशली अगर आप एजुकेशनल कॉन्टेंट, ट्यूटोरियल वगैरह बनाते हो देन दिस विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। एग्जाम्पल के लिए ये 3 videos देखो। If you find yourself constantly putting off work, only to feel guilty when things pile up, you force yourself to focus but can't seem to make any progress, trust me, you are not alone. Do you ever wake up in the morning and feel like doing nothing? Do you ever just sit at your job or at school and just wish that the day would be over? Do you ever wish that you could be as motivated or self-disciplined as all these other people that you see on social media?
Starting a business can sound like an impossible task. You might think that you don't have what it takes, you might think you're not very entrepreneurial, and you might know the stat that 9 out of 10 startups fail. So, as you might have noticed, in तीनों ही videos में एक चीज common है, and that is कि इन सभी के intros में जो creator है, उन्होंने try किया है कि वो viewer के current situation को describe कर पाए in a way that is relatable. इस relatability factor की वजह से viewer का creator पे instantly trust बन जाता है, क्योंकि brain को लगता है कि इस creator को मेरे problem के बारे में इतना accurately पता है, so most probably उसके पास solution भी होगा उस problem का, and इसके वजह से वो video में hook हो जाते हैं. Okay, now let's talk about that secret जो सबसे easy to apply है. And no matter video का content क्या है, इस चीज की मदद से you can literally make it 10 times more engaging and get more watch time. मैं बात कर रहा हूँ pattern interrupts की. In the most simple words, pattern interrupt is a technique used in video editing to grab a viewer's attention and disrupt their usual thought patterns. It's 2023 and we all know ki viewers ka attention span kitna kam ho chuka hai, especially after the arrival of short form content. Video ka koi hissa thoda sa boring lagta hai and they quit the video. Aise mein you can't expect ki aap ek simple sa face cam video dal doge bina kisi pattern interrupt ke aur aapko views aa jayenge. So let's quickly learn about some pattern interrupts and tips jo aap easily apne videos mein use kar sakte ho. Number 1 and the easiest, adding B-rolls. लेट्स से आप एक फेस कैम वीडियो बना रहे हो तो जो मेन क्लिप है आपकी उसको बोलेंगे ए रोल एंड अगर एडिटिंग के वक्त उसके ऊपर से कोई और फुटेज भी डाल दें तो उसे बोलेंगे बी रोल. नाउ बी रोल सेट करने से रिटेंशन तो इम्प्रूव होता ही है बिकॉज व्यूअर्स बोर नहीं होते हैं बट इट ऑल्सो हेल्प्स इन विजुअल स्टोरी टेलिंग. आप व्यूअर तक जो मैसेज कन्वे करना चाहते हो उसके हिसाब से यू कैन चूज द राइट बी रोल एंड वीडियो में यूज कर सकते हो. नंबर 2, डिफरेंट कैमरा एंगल्स. अगेन, सिर्फ एक सिंगल कैमरा एंगल से शूट किया हुआ वीडियो बहुत बोरिंग लग सकता है. दैट्स व्हाई कुछ यूट्यूबर्स मल्टीपल कैमरा एंगल्स यूज करते हैं. इसका बेस्ट एग्जांपल है टेक बर्नर. इफ यू वॉच हिज वीडियोस देन आपने देखा होगा कि वो फ्रीक्वेंटली कैमरा एंगल्स चेंज करते हैं ताकि वीडियो विजुअली इंटरेस्टिंग लगे. एंड यू कैन डू द सेम. अगर सेम टाइम पे दो डिवाइसेस नहीं रिकॉर्ड करने के लिए तो आप वीडियो को कुछ 4-5 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो एंड देन व्हाट यू कैन डू इसकी इंडिविजुअल पार्ट्स को अलग अलग लोकेशंस पे रिकॉर्ड करो. नंबर 3, स्लो जूम. नो मैटर आप फेस कैम वीडियोज बनाते हो या फेसलेस वीडियोज, स्क्रीन पर जो वीडियोज है उस पर ये सिंपल सा इफेक्ट लगा के आप उसे इंटरेस्टिंग बना सकते हो. लाइक लुक एट द 2 वीडियोज ऑन द स्क्रीन. दोनों ही सेम क्लिप्स हैं बट द राइट वन विल होल्ड मोर अटेंशन सिंपली बिकॉज उसमें एक मूवमेंट है. इस स्लो जूम इफेक्ट को अपने वीडियो में लगाना भी बहुत आसान है. सिंपली एक वीडियो क्लिप के स्टार्ट में जाओ, की फ्रेम ऐड करो, फिर एंड में जाओ और एक और की फ्रेम ऐड करो एंड वहाँ पे वीडियो को जूम कर दो. And there we go. हमने एक बोरिंग क्लिप को instantly interesting बना दिया just by adding some movement. Number 4, add text and lots of text. जब स्क्रीन पे कोई वर्ड या सेंटेंस आता है then you have no option but to read it. And hence, इससे व्यूअर का अटेंशन वीडियो पे बनाए रखना बहुत आसान हो जाता है. आप वीडियो में जो कुछ भी बोलते हो उसके लिए वर्ड बाई वर्ड कैप्शन ऐड कर सकते हो या फिर जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं सिंपली उनके लिए टेक्स्ट ऐड कर सकते हो लाइक दिस. All right, उससे पहले कि मैं लास्ट सीक्रेट शेयर करूं जो कि मेरा फेवरेट है, I want to show you these comments. They are all saying the same thing, कि वीडियो कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला. And ऐसे comments मुझे हमेशा आते हैं. Why? Because of this last secret. And अगर आप ये secret खुद अपने videos में use करते हो, then आपके views को भी पता नहीं चलेगा कि वीडियो कब खत्म हो गया. The secret is connecting points. अपने फेवरेट क्रिएटर्स को देखते वक्त आपने ये नोटिस किया होगा कि उनके वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो ऐसे ही वन बाय वन एब्रप्टली नहीं आता है. इंस्टेड इट्स मोर लाइक अ स्टोरी, लाइक फर्स्ट पॉइंट और फिर अचानक से सेकंड पॉइंट, ऐसे नहीं होता है. देयर इज ऑलवेज अ कनेक्शन बिटवीन द पॉइंट्स एंड दैट्स व्हाई इट फील्स लाइक आप एक स्टोरी सुन रहे हो. ऑलमोस्ट सभी पॉपुलर क्रिएटर्स इसे यूज करते हैं बट आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ ध्रुव राठी. आप उनकी कोई भी वीडियो देख सकते हो. फॉर एग्जांपल के लिए ये वीडियो लेते हैं, टाइम ट्रैवलर फ्रॉम ईयर 2256. इस वीडियो में ध्रुव भाई ने बहुत से टॉपिक्स कवर किए like types of time travel, time dilation, black hole, cryosleep, time travel in past, wormhole and paradoxes. And even though ये सभी different topics हैं, but अगर आप ये video देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कब वो एक topic से दूसरे पर switch करते हैं because it's all linked and that's why it feels like a story. In fact, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने भी इस video में secret का use किया है. Example के लिए screen पे जो timestamp है वहाँ से video देखो एंड आपको एक आइडिया लग जाएगा कि पॉइंट्स को कनेक्ट कैसे करते हैं. बेसिकली द फॉर्मूला ऑफ कनेक्टिंग पॉइंट्स इज लाइक आप एक पॉइंट पे बात कर रहे हो, अब अचानक से नेक्स्ट पॉइंट पे जंप मत करो. इंस्टेड जो प्रीवियस पॉइंट था उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस कर दो और फिर ऐसा होना चाहिए कि उस क्वेश्चन या प्रॉब्लम का जो आंसर है, जो सॉल्यूशन है, वो नेक्स्ट पॉइंट पे मिले. इसका फायदा यह है कि व्यूअर्स ने लेट्स से एक पॉइंट देखा है एंड वो उस पॉइंट से सैटिस्फाइड है. अब अगर आप नेक्स्ट पॉइंट को करंट पॉइंट से कनेक्ट कर दोगे तो व्यूअर्स को एक मिसिंग आउट वाली फीलिंग होगी इफ दे डोंट वॉच योर नेक्स्ट पॉइंट. वीडियो में डिफरेंट पॉइंट्स को कनेक्ट करना स्टोरी टेलिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है एंड इससे रिटेंशन इंप्रूव करने में भी बहुत मदद मिलेगी.
अच्छा, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट स्टोरी टेलिंग, मुझे याद आया कि मैंने एक वीडियो बनाया है जहाँ पे आई हैव एक्सप्लेन्ड कि टॉप गेमिंग यूट्यूबर्स अपने वीडियो में स्टोरी टेलिंग का यूज कैसे करते हैं। अगर आपका गेमिंग चैनल नहीं भी है देन ऑल्सो आप ये वीडियो देख सकते हो, इट्स वेरी एंटरटेनिंग। और अगर आपको मेरे बारे में कुछ जानना है तो एक Q&A वीडियो भी बनाया था, वो भी देख सकते हो। सो या आपसे वही मिलूंगा, बाय।